नमस्ते, मैं फिर आज अपने एबी एजुकेशन सेंटर चैनल पर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो बहुत उपयोगी है और आप ज़रूर देखें। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का जो कल पेपर है उसके लिए बनाया है और बिल्कुल चैप्टर वाइज बनाया है। जितना सिलेबस आपका आ रहा है पूरा वैसे कि वैसा बनाया है, तो देखें अपन चलें। बस वही बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपका जो प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। तो ये सबसे पहले मैं जो आपको बता रही हूँ ये वो चैप्टर है भूगोल का, जिसमें इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और अपन जल्दी चलेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे चैप्टर हैं इसके अंदर। मैंने सही बिल्कुल आपको निशान लगा दिए हैं, आप बिल्कुल इसको आराम से देखते चले जाएँ कि भारत का सबसे ऊँचा पर्वत दूसरा जलोढ़ मिट्टी लगा हुआ है। आप बेटे इसे पढ़ लें, पढ़ने से आपको क्या होगा कि जल्दी से ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये भूगोल का पहला चैप्टर है और जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये खाली स्थान है, माउंट एवरेस्ट पर्यटन उत्तरी मैदान, फिर चिल्का प्रवाल, ठीक है, फिर एक शब्द में उत्तर प्रायद्वीप, लूनी द्वीप नदी, पंजाब निकोबार द्वीप समूह, महान हिमालय, ठीक है, फिर सत्य सत्य हैं जो मैंने आप इसमें लगा दिए हैं, सही जोड़ियां हैं। पहले चैप्टर भूगोल का पहला चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, फिर सही जोड़ियां आपके सामने लगी हुई हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप देख लें, आपसे जितना बने आप कर लें, क्योंकि ये मेरी जो इसके पहले जो गैसिंग डली थी पूरी आई है, बच्चे बहुत खुश भी थे। और मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि आप इसे ज़रूर करें। भूगोल का एक और जो चैप्टर तुम्हारे तिमाही में आ रहा है वो है अपवाह, तो अपवाह जो है इसके सही विकल्प हैं आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ते चले जाएं, तभी आपको वीडियो कम समय का बनेगा और आपको कहीं लिखने की, कहीं पुस्तक ढूंढने की, कोई गाइड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मेरी वीडियो को पढ़ें और बिल्कुल सीधा उसका उत्तर लिख कर आएँ। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देखो कितने अच्छे से रिक्त स्थान हैं, अरुणाचल प्रदेश, नर्मदा, जोंग, गोखुर, बुलर, जमुना, गुह, है ना, एक शब्द में बाकी है। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, हैंड राइटिंग में लिखा है तो आपको ऐसा ना हो समझ में ना आए। गोदावरी 1960, अमरकंटक, सुंदरबन डेल्टा, सतपुड़ा श्रृंखला, बड़े आकार की झील, 2500 किलोमीटर, 1985, अलकनंदा, सत्य असत्य, देख लें आप, पहला सही दूसरा दोनों गलत हैं। तीसरा देख लें आप, नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल कोरियोलिस कहा जाता है, सही है। दूसरा फिर गलत है, फिर गलत, फिर सही, फिर गलत, ठीक है। फिर ये देखें आप, सही जोड़ी बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर है, आराम से पढ़ लें। मेरी आपके साथ मंगल शुभकामनाएं हैं, पूरा पेपर आए, आप पूरा करके आएँ, अच्छे नंबर मिले आपको। अच्छा, 9वीं के सामाजिक विज्ञान का जो कल पेपर है उसकी ये जानकारी है, उसका ही पेपर आने वाला है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भाकड़ा नागल 30 नंबर के ओटी, इसी में से आते हैं, बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लें। अब दूसरा है आपका इतिहास, तो इतिहास जो है इसका जो चैप्टर है फ्रांसिस क्रांति जो आपको आने वाली है, उसमें से सिर्फ एक प्रश्न आएगा जिसमें से आप कर लें। एक ही प्रश्न है जो मेरे पास है, 4 नंबर का आएगा। फिर है यूरोप में समाजवादी समाजवाद व रूसी क्रांति, ये इतिहास का दूसरा चैप्टर है आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये इस प्रकार से चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से देख लें। आपको सही विकल्प लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत आराम से आप चलें, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देख लें आप, जार निकोलस, रूसी स्टीम रोलर, खूनी रविवार, ठीक है, फिर है लेनिन 1817, कुलक, देख लें आप, सही जोड़ियाँ आपके सामने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से ये सब चल रहा है, आप करते चले जाएं। कुलक लगे अति लगे उत्तरीय प्रश्न है। फिर है इतिहास का तीसरा चैप्टर है नासीवाद और हिटलर का उदय, देख लें आप, एक बाकी में उत्तर पहले दिया गया है, ये देखिए आप, ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है उसे कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता है। हिटलर की कौन सी विचारधारा उसे विश्व प्रसिद्ध किया, नाजीवाद, फिर है नार्डिक जर्मन आर्य को मीन कैम्प, 1919 अमेरिका
देखते जाएं 3 मार्च 1933 में जर्मन गुप्तचर संस्था फ्रांस ब्रिटेन सोवियत संघ, बिल्कुल यही आएगा। आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको आंसर सहित मैंने दिया है। आप बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लें। आपके 30 नंबर के जो कर ऑब्जेक्टिव है कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अति लघुतरी फिर राजनीति विज्ञान, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे दक्षिण अफ्रीका के, बहुविकल्पी प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना 26 अप्रैल 1994 में, सरोजिनी नायडू थी। इतिहास का पूरा चल रहा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। मेरी मंगल शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरा पेपर आएगा, सत्य असत्य ये भी आएगा। खालिस्तान जो है भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। आग सान सू की म्यांमार की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं। एक बाकी में उत्तर दीजिए। लोह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, बिल्कुल ये आएगा ही। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता था। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य राजकीय दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। समान समता के तात्पर्य कानून के समक्ष समान। पॉलिटिक्स के रचयिता है अरस्तु। नेक्स्ट है आपका, एक के बाकी में उत्तर दीजिए। लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ, ये फिर से रिपीट हो गया लेकिन आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सही जोड़ी है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ें। अति लघुतरी प्रश्न, लोकतंत्र क्या है, वैश्य मत अधिकार क्या है, ये पढ़ लें आप। 13वीं प्रश्न, फिर जो है आपका संविधान का निर्माण, ये अपन अभी चल ही रहे हैं राजनीति विज्ञान में, इसका दूसरा चैप्टर ये आपके सामने है। इन्हें पढ़ें अच्छे से, आपको समझ में आएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप पढ़ के जाएं, बिल्कुल 101% संभावना है मेरे गैसिंग। अभी तक बहुत सारे ही पेपर में फंसी है लगभग। ये देखें, आपको कोई पेपर तो संभव नहीं है, लेकिन गैसिंग पूरी मेरी 101% संभव है, पूरी की पूरी पढ़े फंसी है। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1946। मूल कर्तव्य 42 हैं। नीति निर्देशक तब आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के संविधान से लिए गए इंग्लैंड के। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हाँ, इसमें ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो एक वाक्य के उत्तर हैं, इनमें ये दिक्कत ये हुई कि बहुत बड़े बड़े आंसर हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि आपको मैं बोलते जा रही हूँ, आप मेरे उत्तरों को नोट कर लें कि आखिर इनके उत्तर है क्या। तो लोह पुरुष के नेता कहा जाता था, उसके बाद है इंग्लैंड और आयरलैंड। संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सदस्य के 4 सदस्य हैं, उनके नाम मैं आपको बता सकती हूं कि वो थे कौन। संविधान सभा के जो चार, एक वाक्य में उत्तर, सॉरी, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता की, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। आप लोग अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर सुन रहे हो तो आप जरूर इसे कर लें, मेरे प्रश्नों के उत्तर को आप जरूर सुन लें। फिर है संविधान सभा। संविधान सभा किसे कहते हैं, चुने हुए जन प्रतिनिधियों की सभा जिन्होंने संविधान लिखा। फिर है गणराज्य। गणराज्य है शासन का प्रमुख, लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति, वो गणराज्य कहलाता है। समता, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। और बंधुता किसे कहते हैं, सभी लोगों के प्रेम सहानुभूति भाईचारा को बंधुता कहते हैं। फिर सही जोड़ी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, आप देख लें, इसे बहुत अच्छे से देख लें, आपको दिख रही होगी। फिर आपका दूसरा चैप्टर संसाधन के रूप में, ये राजनीति चल रही है, संसाधन के रूप में लोग। फिर उसके बाद आपका अर्थशास्त्र आ जाएगा और इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैंने भूगोल का बता दिया, इतिहास का, राजनीति का आपके सामने चल रहा है दूसरा चैप्टर, संसाधन, जो संसाधन है संसाधन के रूप में लोग, ये देखें आप बिल्कुल। मेरे चैनल वीडियो को अंत तक देखेंगे, जरूरी है, तभी आपको पूरे चैप्टर पता चलेंगे। ये सही जोड़ी है, सही गलत है, एक शब्द में उत्तर है, फिर एक वाक्य में उत्तर। देखिए, एक वाक्य में इसका भी उत्तर है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन जो है आपका, जो भी संसाधन है वो ये है
कि चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाला निर्देश। मानव पूंजी क्या है चुनाव में? एक मिनट, थोड़ा सा मैं शायद उसमें चली गई हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये है क्या। संसाधन, आप एक मिनट रुकें, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि ये किस प्रकार से संसाधन क्या होते हैं, किन्हें संसाधन कहते हैं। ये आपका जो दूसरा चैप्टर है ये अर्थशास्त्र का है, ये जो चैप्टर चल रहा है ये अर्थशास्त्र का है कि विलासा किसे कहते हैं, किस प्रकार की जनसंख्या है। और फिर आपको मैंने सत्य सत्य बता दिया, ये आपका अर्थशास्त्र चल रहा है। फिर है आपका संसाधन, तो संसाधन किसे कहते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मानवीय आवश्यकताओं की, आप वो आंसर मेरे नोट कर लें कि संसाधन किसे कहते हैं। एक शब्द में उत्तर बहुत बड़े होने के कारण मैंने इन्हें नहीं लिखा है, लेकिन आप इसे नोट जरूर कर लें कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है वे संसाधन कहलाते हैं। मानव पूंजी क्या है? मानव द्वारा किए गए आर्थिक कार्य मानव पूंजी कहलाती है, आप नोट कर लें। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या हैं? बाजार व गैर बाजार की क्रियाएँ। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम, ये है आपका सर्व शिक्षा अभियान है। साक्षरता से तात्पर्य लिखने पढ़ने का ज्ञान। फिर जन्म दर क्या है? जन्म दर औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? जन्म दर क्या है? औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और बेरोजगारी क्या है? क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना। फिर है आपका प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए भारत में बेरोजगार के कारण। अब नेक्स्ट है आपका, ये अर्थशास्त्र चल रहा है कि निर्धनता एक चुनौती है। निर्धनता एक चुनौती है, ये अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है। स्क्रीन पे आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप पढ़ के जाएं, मैं 101% संभावना है डेफिनेटली आएगा, सही गलत आपके सामने है। फिर आपका जो ये चल रहा है ये खालिस्तान की पूर्ति है, पहले का निर्धनता, दूसरे का 2004, तीसरे का दूध उत्पादन। फिर रवि, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। फिर हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र में निर्धनता जो है आपको हरित क्रांति कहते हैं। फिर आपका ये निर्धनता थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो है आपका कृषि क्षेत्र जो कहलाता है वो है आपका मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर आना था आत्मनिर्भरता, देख लें आप। और फिर है निर्धनता, तो निर्धनता किसे कहते हैं? न्यूनतम जीवन यापन ना कर पाना। और नीति आयोग, नीति आयोग किसे कहते हैं? देश के संबंधी व अधोसंरचना विकास के लिए बनाया गया आयोग, ये सही जोड़ी है जिसके मैं विकल्प नहीं खोज पाई, आप जरूर पूछ लें। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी आपके सामने हैं और मैं फिर से दूसरा वीडियो लेके जल्द ही उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्ते।